और अरे जहीर मिया आओ आओ, खुदा खैर करे आज तो आप ही मेरा जी खुश कर दिया, हमारे खानदान का नाम आप ही रोशन कर दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है आपा? ये भी कोई छुपाने वाली बात है? अब तक तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई होगी, तुम्हारी नेकी के चर्चे सबके होठों पर होंगे। मैं तो अब सबसे यही कहूंगी भैया, अगर नेकी सीखनी हो तो जहीर मियां से सीखे। नहीं आपा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर नसरीन के अब्बू कोई गैर थोड़े हैं, हमारे अपने हैं, अपनों के लिए तो सभी करते हैं। आपा मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे इतनी दौलत दे वो कि मैं अपने ही नहीं बल्कि गैरों के भी काम आ सकूं। कितने नेक ख्यालात है तुम्हारे जहीर, मगर मैं तुम्हारे ससुर से बहुत नाराज हूँ। क्यों, आपकी भला उनसे क्या नाराजगी है? लो खुदा खैर करे, इतनी सी बात भी नहीं समझते? ये तो मौला का करम था कि उस वक्त तुम यहाँ थे। जरा सोचो, अगर तुम शहर से बाहर होते तो क्या होता? फैक्ट्री तो जाती है, इज्जत भी जाती। आप बिल्कुल सही बात है, मैं भी उनसे यही कह रहा था। हाँ हाँ, कहना ही चाहिए। एक हम है जो उन्हें अपना समझते हैं, और एक वो है जो गैरों की तरह अपनी परेशानियां हमसे छुपाए रखते हैं। असल में उनकी अपनी खुददारी और फिर ससुर दामाद के नाजुक रिश्ते ने उन्हें रोक रखा था। वो तो ठीक है, और ये बात भी सही है कि तुम्हारे ससुर खुददार और उसूल वाले इंसान है, लेकिन अपना बेगाना भी तो कोई चीज है कि नहीं? आपा ये उनका अपना उसूल था, मैंने तो जो मेरा फर्ज था वो पूरा किया। मैं जरा हाँ हाँ हाथ मुंह धो लो। इस तरह दौलत लुटाने में तो कारून का खजाना भी कम पड़ गया था, तो तुम्हारी क्या औकात है जहीर मियां? अगर तुम इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो हमारे लिए क्या बचेगा? ताहिरा बेगम, अब तो तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। ये क्या, आप इस तरह अंधेरे में खामोश बैठी हैं? अंधेरे जिनका मुकद्दर बन जाए, उजाले उन्हें रास नहीं आते। लगता है आप उस हादसे को अभी तक अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, जो होना था वो हो गया है, एक बहुत बड़ी बला अब्बू के सर से टल गई है। जी हाँ, अब्बू के सर से तो टल गई है, लेकिन मेरे सर पर आ गिरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ी आपा को इस बात का बेहद मलाल है कि आपने मेरे अब्बू की फैक्ट्री यानी कि उनकी इज्जत को नीलाम होने से क्यों बचाया? उन्हें तो फांसी लगाकर मर जाना चाहिए था। नसरीन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप बड़ी आपा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हैं? मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ, वो तो इस बात से बेहद खुश है। उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी कि मैंने आपके अब्बू की इज्जत बचाकर इंसानियत का फर्ज निभाया है, अल्लाह की दी हुई दौलत का सही इस्तेमाल किया है मैंने, और एक आप है कि या खुदा, मैं कैसे समझाऊं आपको? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से बड़ी आपा अपना चेहरा बदल लेती है। ये सरासर इल्जाम है, ये धोखा है आपकी निगाहों का। बड़ी आपा तो दिन रात इस घर में अमन और सुकून चाहती है, अल्लाह से हम सबकी खुशियों की दुआएं मांगती है वो, और एक आप है उनकी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती है। अपनी बहनों की मोहब्बत में आप इस कदर जज्बाती हो जाते हैं कि दुनिया का हर सच उनकी बातों के आगे आपको झूठा लगता है, लेकिन जिस दिन उनकी अंधी मोहब्बत की पट्टी आपकी आंखों से उतरेगी ना, सारी असलियत आपके आगे आ जाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं? आप कहना चाहती हैं कि मैं ऐसा बेवकूफ हूं जिसके आंख और कान बंद हैं और जो अपनी बहनों की उंगली पकड़कर चलता? हाँ, यही कहना चाहती हूं मैं। नहीं, आप ये चाहती हैं कि मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, आपके इशारों पर नाचूं, अपनी बहनों का हक छीनकर मैं आपकी झोली में डाल दूं। कल सारा समाज मेरे मुंह पर थूकेगा, लोग पीठ पीछे मुझे बीवी का गुलाम कहेंगे, और ये नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो आपको उसी तरह रहना होगा जैसा कि मेरी बहनें चाहेंगी, और मैं बड़ी आपा के खिलाफ एक लफ्ज भी आज के बाद सुनना पसंद नहीं करूंगा। समझ गए आप? समझ गए?
हाँ, ये रहा बिल और ये रहा चेक, उस दुकान वाले को दे देना। चेक छोटे आपा, चेक पर वो लोग नाक भाव चढ़ाते हैं। नेकलेस के वक्त भी कैश के लिए कह रहे थे। ऐसा बोल, उनसे कहना अगर ज्यादा नाक भाव चढ़ाई तो आइंदा किसी और दुकान से चीजें बनवा लूंगी। जी छोटे आपा, वो मेरी अंगूठी के बारे में आपने। अच्छा ठीक है, अपनी उंगली का नाप दे देना उसे। जी। अरे सुन, कहाँ भागी चली जा रही है, पता है क्या क्या जेवर लेकर आना है? ध्यान से सुन, 2 कंगन, 1 अंगूठी जी, 6 चूड़ियाँ और 1 गले की चैन जी। अच्छा समझी, गिनकर लाना सब कुछ। और सुन, किसी की नजर नहीं पड़े, होशियारी से जाना और होशियारी से आना। जी अच्छा, खुदा खैर करे। अरे छोटी, तो इसे होशियारी सिखा रही है, ये तो पहले से बहुत होशियार है। चल जल्दी से सर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। आपा मैं आपका सर दबा देती हूँ ना। क्यों, तो ये क्या करेगी, यहाँ बैठकर पलंग तोड़ेगी? नहीं आपा, ये बिजली का बिल भरने जा रही है। जी बिजली का बिल? हाँ। लेकिन छोटी 10 दिन पहले तो गई थी ये बिजली का बिल भरने। आपा वो बिजली का बिल नहीं था, वो तो टेलीफोन का बिल था, है ना? हाँ। नहीं नहीं छोटी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो बिल ना बिजली का ही था। हाँ। ओहो आपा, अब खुदा के वास्ते आप एक चश्मा खरीद लीजिए। तो क्या मुझे सचमुच कम दिखाई दे रहा? और नहीं तो क्या, जा तुझे देर हो जाएगी। और सुन, चेक गिराना मत और होशियारी से जाना, निकल। आपा आप बैठिए ना। छोटी, क्या वो सचमुच टेलीफोन का ही बिल था? और क्या आपा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? छोटी मुझे ऐसे लगने लगा है कि सचमुच मुझे कुछ कुछ। कुछ कुछ नहीं आपा, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है आपकी नजर। मैं भाईजान से कहकर ना आपके लिए चश्मा खरीद दूंगी। ठीक है, हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, गला मत दबा, सर दबा। आपा भी। नमस्ते फारूक अंकल। अरे सुधीर बेटे आओ, बैठो। कैसे हो बेटे? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसी मुझसे क्या खता हो गई जो तुम मुझसे नाराज हो? अंकल मैं जितना आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे उतना ही पराया समझते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पर परेशानी का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और आपने मुझे याद तक नहीं किया। देखो बेटे, मैं अपनी परेशानी में किसी और को परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आज मैं अपनों से कोई और हो गया। अंकल अपनों के नाते ना सही, कम से कम एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते आप मुझे बता सकते थे, मुझसे मशवरा ले सकते थे। जानता हूं कि आप बहुत खुददार इंसान हैं, लेकिन मैं आपको जो मशवरा देता उसकी आपसे फीस ले लेता। बेटे बहुत एहसान है तुम्हारा मुझ पर, तुम मेरे बारे में कम से कम इतना सोचते तो हो। लेकिन आपने नहीं सोचा। अब गुस्सा थूक दो, गलती हो गई मुझसे। ये बताओ तुम लोगे क्या? एक वादा। वादा? कैसा वादा? जिस परेशानी से घबरा कर आप जो करने जा रहे थे वो दोबारा नहीं करेंगे। क्या जहीर मियां ने? जी हाँ अंकल, जहीर मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है। मुझे खुदा का भी खौफ नहीं था, मैं खुदकुशी करने जा रहा था। शुक्रगुजार हूँ जहीर मियां का, उन्होंने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। बस तो फिर आप मुझसे वादा कीजिए कि सपने में भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं वादा करता हूं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। आई लाइक दैट स्पिरिट। भाभी क्या बात है, आज आप कुछ उदास लग रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक ही हूं। भाभी होठों की मुस्कुराहट से आंखों में नजर आने वाली नमी को आप नहीं छुपा सकती हैं। ये बात और है, अगर आप मुझे इस लायक ना समझे अपनी दिल की बात बताइए। फिरोज, क्या किसी गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए, पर भाभी आप किस गुनहगार को सजा दिलवाना चाहती हैं?
दिलावर खान को, जिसने मेरे अब्बू के बरसों की मेहनत को खाक में मिला दिया। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? भाईजान ने तो हाँ, अगर ये मदद ना करते तो अब्बू के हालात और बिगड़ जाते। लेकिन मेरे अब्बू के इस हालत का जिम्मेदार तो दिलावर खान ही है ना। भाभी, आप अपना दिल मत दुखाइए, वो जरूर पकड़ा जाएगा, पुलिस तो उसकी तलाश में है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सोचती हूँ कि अगर अनवर भाई इस केस में ज़ाती दिलचस्पी ले तो। लेकिन तुम्हारे भाईजान का कहना है कि पुलिस को अपना काम करने दो। वैसे भाईजान अपनी जगह दुरुस्त हैं, फिर भी मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। स्वीटी, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए। मैं तो खुश तब होंगी जब आप मेरा बैग पैक करेंगी। ओहो, ठीक है, कर देते हैं हम। लेकिन आपने अपनी अम्मी जान से क्यों नहीं कहा? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? पता नहीं, हम तो बच्चे हैं, अब बड़े अपनी तकलीफ बच्चों को थोड़ी ना बोलते हैं। आप तो बहुत होशियार हो गई हैं। लीजिए, बैग तो पैक हो गया, अब आपका ट्यूशन का वक्त हो रहा है ना, चलिए जाइए। ठीक है बाबा, जाती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बस जरा सर में दर्द है। ये आपका सर दर्द कभी जाता क्यों नहीं है? जब देखो सर में दर्द, जब देखो सर में दर्द। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं है आप? कोई फायदा नहीं होगा खुशबू। क्यों? बढ़िया, आपने कुछ कह दिया? नहीं। तो क्या आयशा ने? लगता है भाईजान ने कुछ कह दिया। क्यों? हाँ, अब तुम्हारे भाईजान भी यही चाहते हैं कि मैं उसी तरह इस घर में रहूं जिस तरह उनकी बहनें चाहती हैं। यानी कि आप इसी तरह सब कुछ सहेंगी? तो क्या करूं, जब लड़की ससुराल की हो जाती है तो उसका अपने शौहर की बातों पर चलना ही बेहतर है। लेकिन इस तरह सब कुछ चुपचाप सहना कहां तक मुनासिब है आपा? आप भाईजान को समझाएं। मुझे हैरत है कि भाईजान ने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है। आपका ये चुप रहना। चुप रहना ही बेहतर है। मैं डरती हूं कहीं मेरे हक और इंसाफ के अल्फाज आंधी बनकर इस आशियाने को तिनके की तरह ना बिखेर दे। मैं कहूं भी तो कैसे कहूं? अरे दादी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? कुसुम से कह देती, वो कर देती। अरे बहू, मुझे भी कुछ हाथ पांव चलाने दो, इसी बहाने तो थोड़ी सी कसरत हो जाती है। हाँ, ये बात तो ठीक है दादी माँ। अच्छा दादी माँ, आपने फारूक अंकल के बारे में कुछ सुना? जहीर के ससुर साहब, क्या हुआ उन्हें? सुधीर ने बताया कि उनके पार्टनर दिलावर खान ने उनके साथ धोखेबाजी की, लाखों करोड़ों का फ्रॉड करके फरार हो गए और सारा कर्ज मार्केट का उनके सर पर आ गया। नौबत यहाँ तक आ गई दादी माँ कि वो आत्महत्या करने चले थे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस उम्र में उनके साथ इतना बड़ा हादसा? दादी माँ, आपको पता है जहीर भाई ने उनकी जान ही नहीं बचाई बल्कि उनकी फैक्ट्री भी नीलाम होने से बचा ली। भगवान जहीर को इस पुण्य कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ दादी माँ, बहुत ही भयानक था। पता नहीं नसरीन और खुशबू के दिल पर क्या गुजरी होगी। भगवान ने उन्हें कोई बेटा भी नहीं दिया जो इस उम्र में उनका सहारा बन सके। बहुत ईमानदार है, बहुत ही भले मानस है, अनुभव तो उन्हें बरसों से जानता है। दादी माँ, जहीर भाई के घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई है। मेरे जहीर पे तो सारी दुनिया की नज़र है, अपनी लगन से और मेहनत से कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है वो। भगवान उसके साथ है,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादी माँ आपका आशीर्वाद रहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा दादी माँ मैं चलती हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखना है। और आप अपनी दवाइयाँ समय पर खा रही हैं ना? हाँ बहू, अब तो दवाइयों पर ही जिंदा रहना है। खाना कम और दवाइयों पर ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। अभी तो आप बिल्कुल फिट है और अभी तो आपको मुकुल के बच्चों को भी खिलाना है। भगवान करे तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो जाए। अच्छा दादी माँ। आपने फिर वही कपड़े पहन लिए? कितनी बार मैं आपसे कहूं ढंग के कपड़े सिलवा लीजिए। अरे बेगम, इंसान अपने हमाल से पहचाना जाता है, कपड़े साफ सुथरे और ढंग के होने चाहिए बस। खुदा खैर करे आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? रायचूर की बात अलग थी, अब आप बड़े शहर में आ गए, जहीर मियां के दफ्तर भी जाने लगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की परवाह आप कीजिए, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ बस। ओफो, आपसे बहस करना ही बेकार है। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? खुदा खैर करे अब इजाजत ले लेकर पूछेंगे। हाँ हाँ पूछिए। हमारे कानों तक ये बात पहुंची है कि वहीदा ने इस घर में आना जाना छोड़ दिया सिर्फ आपकी वजह से। अल्लाह, तौबा तौबा, मैंने क्या इस घर के बाहर तख्ती लगा दी जिस पर ये लिखा है कि वहीदा का इस घर में आना जाना मना है? हाँ कई जुमले ऐसे होते हैं जो दिल पे लिखे जाते हैं तख्ती पे नहीं। खुदा खैर करे अब तो आप दूसरों के दिलों पर लिखी इबारत भी पढ़ने लगे। वहीदा कोई गैर नहीं है जो उसे आपने दूसरों में शामिल कर दिया है। आपने ऐसी क्या बात कही कि वो जहीर मियां के इस घर को जहन्नुम कह रही थी, बस इसी बात पर मैंने उसे डांट दिया। अरे वो पढ़ी लिखी खातून है, वो ऐसे कही नहीं सकती है, आपने जरूर से उकसाया होगा। हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ सब मैं ही हूँ, बाकी सब तो दूध के धुले हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेगम पर शक करते हुए? आप अपनी बेगम पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेगम मैं आपके कारनामों को अच्छी तरह से जानता हूँ, रायचूर की बात कुछ और थी, इस घर में कम से कम सुकून का माहौल तो रहने दीजिए। मतलब क्या है आपका? मैं झगड़ालू हूँ, सबसे लड़ती झगड़ती रहती हूँ, मैंने इस घर का सुकून छीन लिया है। अरे बेगम आहिस्ते बोलिए। अरे क्यों आहिस्ते बोलो, मैं क्या किसी से डरती हूँ? अरे आप किसी से क्यों डरने लगी? मैं ही डर कर चला जाता हूँ। वहीदा तुम अपने भाईजान को जानते हो, रहम दिली की मिसाल है वो, कोई भी हो किसी के भी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। फिर ताहिरापा तो उनकी बड़ी बहन है। जहीर भाई को सौतेली बहन की आंसुओं पर तो रहम आ गया, पर उनकी सगी बहन की आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ उन पर। वहीदा तुमसे गिलते चाहे अपने सारे गिले शिकवे भुला दो, मेरे साथ घर चलो तो आपका खाना वहीं खाएंगे। नहीं भाभी मैं नहीं आऊंगी। माफ कीजिएगा, जब तक ताहिर आपा उस घर में है मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी।